हेलो बच्चों, आज से हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने के पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ऊपर वाला जो सिलेबस है वो न्यू सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज यूनिट 3 डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी का सिलेबस है ये। तो उसमें फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सलाइवा का कंपोजिशन, रेगुलेशन, सिक्रेशन फंक्शन, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन फंक्शन, मैकेनिज्म, रेगुलेशन, उसके बाद पेनक्रेटिक जूस का कंपोजिशन फंक्शन, रेगुलेशन, फिर देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, गॉलब्लैडर, पेनक्रियास, कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड फंक्शन, सिक्रेशन एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, डाइजेशन इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लेकिन इस सिलेबस में जैसा कि आप देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन के या जो जूस हैं उनका कंपोजिशन, रेगुलेशन, फंक्शन दिया हुआ है। सबसे नीचे देखेंगे डाइजेशन अलग से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हम सलाइवा की बात कर रहे हैं तो माउथ में सलाइवा है तो उसका कंपोजिशन, रेगुलेशन, फंक्शन और डाइजेशन एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगा, हम परेशान ज़्यादा होंगे उसमें। तो डाइजेशन भी हम साथ में पढ़ते जाएंगे ऑर्गन वाइज। नीचे वाला जो सिलेबस है वो यूनिट 7, ये ओल्ड सिलेबस है, ईयर वाइज सिलेबस है। इसमें भी देखेंगे कंटेंट दोनों में सेम है, फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, डाइजेशन इन माउथ, स्टमक, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फंक्शन ऑफ लीवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियाज, सब कुछ सेम ही है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो शुरू करते हैं, आज हम फंक्शन देखेंगे सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस, इतना ही देख पाएंगे क्योंकि फिर ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं फंक्शन से, फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शन हैं। ओवरऑल देयर आर 6 बेसिक प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 6 बेसिक प्रोसेस हैं या मेन फंक्शन होते हैं। क्या क्या हैं ये करके देखते हैं। इंजेशन यानी खाना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द माउथ। दूसरा क्या है, सिक्रेशन, इट इज़ द रिलीज ऑफ वाटर अबाउट 7 लीटर्स एसिड, बफर, एंजाइम इन टू द ल्यूमन ऑफ द जी आई ट्रैक्ट। तो जो जी आई ट्रैक्ट है हमारा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, माउथ से लेके एनस तक का एक जो पूरा पाइप जैसा एक सिस्टम है, तो इसकी जो ल्यूमन, ल्यूमन मतलब हो गया अंदर का एरिया, इनर लेयर जो होती है और जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं ल्यूमन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या जो जी आई ट्रैक्ट है वो लगभग 7 लीटर फ्लूइड सिक्रेट करता है ल्यूमन में। अब उसमें अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं, एसिड है, जैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक से सिक्रेट होता है, वफर्स है, एंजाइम्स हैं, ये अलग अलग हमारे पेनक्रियाज, लीवर और गॉलब्लैडर से सिक्रेट होते हैं, वो देखेंगे अपन आगे। तो इट इज़ द रिलीज ऑफ वाटर, एसिड, बफर, एंजाइम इन टू द ल्यूमन ऑफ जी आई ट्रैक्ट, लगभग 7 लीटर पर डे। मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चर्निंग एंड प्रोपल्सन ऑफ फूड थ्रू द जी आई ट्रैक्ट बाय अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ए स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ जी आई ट्रैक्ट। अब होता क्या है कि जैसे हमने फूड, अब जो हमारा जी आई ट्रैक्ट है, ये अगर हम देखें कि माउथ, यहाँ पर तो ये वॉलेंट्री है, यानी कि हम इसको अपनी इच्छा से चला रहे हैं, हम कुछ भी खाते हैं, च्युइंग चबाते हैं और उसको निगल लेते हैं। लेकिन उसके बाद फूड आगे कैसे बढ़ता है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, अपने आप आगे बढ़ता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो यहाँ पर उस फूड में अलग अलग टाइप के जूस, एंजाइम मिक्स होते हैं, प्रोपल्शन होता है, उसको आगे की तरफ धकेला जाता है, प्रोपेल किया जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चर्निंग और प्रोपल्शन ऑफ फूड थ्रू जी आई ट्रैक्ट। अभी जी आई ट्रैक्ट में हो रहा है फूड, उसमें मिक्सिंग हो रही है, उसको आगे की तरफ धकेला जा रहा है, कैसे, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन द वॉल ऑफ जी आई ट्रैक्ट। हमारे जी आई ट्रैक्ट की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। जैसे अगर आपने कभी वो जो रहते हैं ना केंचुए, उनको कभी चलते देखा हो कैसे आगे बढ़ते हैं, तो वो भी स्मूथ मसल्स ही बने रहते हैं एक्चुअली, उनकी जो उनका पूरी बॉडी है मसल्स ही रहती है, उसमें बोन तो होती नहीं है। तो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो इसके थ्रू जो फूड है वो आगे बढ़ता है। डाइजेशन, इट इज़ द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। अब डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। मैकेनिकल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, केमिकल मतलब उनको केमिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब जैसा कि हम खाते हैं, च्युइंग चबाते हैं, तो
तो इसलिए बोलते हैं ना काफ़ी, जितने दांत हैं उतनी बार चबाइए, जैसे 32 दांत होते हैं तो 32 बार, एक कौर जब आप खाते हैं एक निवाला लेते हैं तो उसको 32 टाइम्स बार आपको च्यूइंग करना है, चबाना है, ताकि वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक्स्ट्रा मेहनत काम ना करना पड़े, वो उसका काम सिर्फ डाइजेशन का है तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, आसानी से पचा पाए। तो डाइजेशन एक फंक्शन है जिसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है। केमिकल ब्रेकडाउन मतलब जैसे एसिड है, एसिड का काम क्या है, गलाना, स्टमक में एसिड होता है, HCl होता है, जो कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। फिर है एब्जॉर्प्शन, इट इज़ द पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम GI ट्रैक्ट इनटू ब्लड एंड लिम्फ। अब इट इज़ द पैसेज, पास होता है, डाइजेस्टिव जो भी सिस्टम में हमने खाना खाया है, फूड लिया है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड तक पास करना, डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हमने खाया पिया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से जो भी पार्टिकल्स हैं जिनको एब्जॉर्ब करना है तो उनको एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड में और लिम्फ में उसको पास कर देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एक फंक्शन हो गया। फिर डेफिकेशन, डेफिकेशन मतलब क्या हुआ कि इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ फीकस, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, कि थ्रू रेक्टम में जो भी वेस्ट मटेरियल है कलेक्ट होगा और उसके बाद NS के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, तो डेफिकेशन। इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ फीकस वेस्ट इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस बैक्टीरिया सेल्स लॉग फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ GI ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द GI ट्रैक्ट। तो कुछ वेस्ट है, इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस है, जैसे कि कुछ बच्चे नहीं, जैसे आपके घर पर अगर कोई छोटा डॉग है, पपी है, तो वो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ वो चप्पल जूते खा लेते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि इनडाइजेस्टिबल है, तो वो जब जाते हैं डेफिकेशन के लिए तो उनका फीकस के थ्रू वो बाहर भी निकल जाता है। तो वेस्ट हो गया इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस, जो हमने खा लिया पर डाइजेस्ट नहीं होगा वो भी बाहर निकलता है। बैक्टीरिया सेल्स लॉक फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ GI ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट की जो इनर लेयर है उधर से कुछ सेल्स हैं वो भी निकल जाती हैं फीकस के थ्रू। एंड डाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल, जो डाइजेस्ट तो हुआ था पर एब्जॉर्बेशन नहीं हुआ, तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो भी फीकस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो डेफिकेशन, ये टोटल 6 फंक्शन हमारे GI ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे माउथ और स्लाइवा की। वैसे हम स्लाइवा के बारे में बात करने वाले थे इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर लगाई है। इस क्लास में ज़्यादा पिक्चराइजेशन या ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ मैंने नहीं किया है क्योंकि हम एनाटॉमी में सब कुछ समझ चुके हैं, स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, जहाँ पे ग्लैंड्स हैं वो भी देख चुके हैं, अब सिर्फ फंक्शन की बात है, इसलिए मैंने ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ इस क्लास में नहीं किया है। तो अब हम स्लाइवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए देख लेते हैं पहले स्लाइवरी ग्लैंड्स कितनी हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। पैरोटिड ग्लैंड है हमारे कान के थोड़ा सा आगे और एक डक्ट है, फिर नीचे देखिए सब मैंडिबुलर बोन के पास में सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और उसकी डक्ट है, और सब लिंगुल, लिंगुल मतलब जीभ, जबान, टंग, उसके नीचे जो ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं सब लिंगुल ग्लैंड। इनका काम क्या है, स्लाइवा सिक्रीशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा लगभग 1 से 1.5 लीटर स्लाइवा सिक्रेट होती है पर डे, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1 ml पर मिनट। अगर आप देखें एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो ये होते हैं लगभग 1440 मिनट। और स्लाइवा सिक्रेशन कितना है, 1 लीटर से 1.5 लीटर यानी कि 1000 ml से 1500 ml के बीच में। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि लगभग 1 ml स्लाइवा पर मिनट सिक्रेट होता है। आउट ऑफ दिस अबाउट 25% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड, 70% इज बाय सब मैक्सिलरी ग्लैंड, वेयर सब लिंगुअल ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 5%। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड थी उसमें से पैरोटिड ग्लैंड से 25% जो टोटल स्लाइवा है, जैसे अगर मान लें हम 1 लीटर या 1000 ml स्लाइवा सिक्रेशन होता है तो 250 ml, 250 ml सिक्रेट होगा कहाँ से, पैरोटिड ग्लैंड से, 700 ml सिक्रेट होगा कहाँ से, सब मैक्सिलरी ग्लैंड से, और सब ल्यूंगल ग्लैंड से मुश्किल से 50 ml सिक्रेशन होता है पर डे, अगर हम 1000 ml के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे तो। रिएक्शन, मिक्स्ड स्लाइवा फ्रॉम ऑल ग्लैंड इज स्लाइटली एसिडिक विथ pH ऑफ 6.35 to 6.85। तो अगर हम रिएक्शन के बारे के हिसाब से देखें तो जो स्लाइवा है थोड़ा सा एसिडिक होता है,
और पीएच 6.35 से 6.85 होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 से लेके 1.012 तक है। टोनिसिटी देखते हैं, टोनिक कितना है ये, तो सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा में क्या क्या है। तो मिक्स्ड सलाइवा कंटेन 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड। तो मिक्स्ड सलाइवा से मतलब है कि जितने भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनसे सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है। जो मिक्स सलाइवा है अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड्स का, उसमें 99.5% वाटर है और 0.5% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो सॉलिड है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हैं। साथ ही साथ गैसेस आर ऑल्सो फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा में गैसेस भी होती हैं। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं क्या क्या है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है, तो सलाइवरी प्रोटीन है जैसे म्यूसिन है, एल्ब्यूमिन है। सलाइवरी एंजाइम है, अमाइलेस है, टाइलिन, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कैलिक्रीन द एंजाइम नेसेसरी फॉर ब्रेडिकाइन प्रोडक्शन। ब्लड ग्रुप कंपोनेंट भी है जैसे कि एंटीजन, फ्री अमीनो एसिड हैं और साथ ही साथ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, जैंथिन है और हाइपोजैंथिन। इतने ऑर्गेनिक सब्सटेंस सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक क्या क्या है। तो इनऑर्गेनिक में सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फॉस्फेट। अब गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट है सलाइवा में, तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन, ये तीन गैसेस सलाइवा में प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन देख लेते हैं सलाइवा के क्या क्या हैं। तो सलाइवा इज वेरी एसेंशियल सिंस इट हैज़ मैनी फंक्शंस, इट एब्सेंस मे लीड टू मैनी इनकन्वीनियंस। सलाइवा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं और इसका एब्सेंस या कमी की वजह से या इसके नहीं होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो एक एक करके फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर सॉलोइंग। जो भी फूड हम खा रहे हैं, सॉलोइंग मतलब होता है निगलना, घटकना। तो जो भी फूड हम खाते हैं, जैसे कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ खाए, जैसे हमने रोटी पराठा सब पूड़ी कुछ भी खा रहे हैं, उसके साथ कोई हम लिक्विड चीज़ खा रहे हैं, तो आपको सॉलोइंग में ज़्यादा समस्या नहीं होती है, निगलने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। जैसे रायता है या कुछ गीला वाला कुछ भी है लिक्विड टाइप का, तो आप उसको आराम से निगल पाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सॉलिड सॉलिड खा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने सिर्फ पुलाव खा रहे हैं और कोई ड्राई वेजिटेबल है, कोई सूखी सब्जी है और साथ रोटी खा रहे हैं, कुछ पूड़ी खा रहे हैं, तो आपको निगलने में थोड़ी सी समस्या होती है। अब वो इसलिए क्योंकि वो ड्राई है, तो फूड को मॉइस्ट करता है और निगलने में हेल्प करता है सलाइवा। व्हेन फूड एंटर द माउथ सलाइवा मॉइस्टन एंड डिजॉल्व इट। जब जैसे फूड हम कुछ खाते हैं तो माउथ में सलाइवा उसको मॉइस्ट करता है, नमी देता है और उसमें डिजॉल्व होता है, मिक्स होता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज ऑल्सो मॉइस्टन्ड बाय द सलाइवा। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सलाइवा की, है ना, वो ध्यान रखना। तो सलाइवा के क्या क्या काम है, तो फूड को सॉलो करने में, निगलने में हेल्प कर रहा है। तो फूड जैसे इंटर करता है, सलाइवा उसको मॉइस्ट करता है और उसमें डिजॉल्व होता है। दूसरा काम क्या हो गया सलाइवा का, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है माउथ की इनर लेयर जो है उसको ही मॉइस्ट करता है, यानी उसको भी नमी देता है। दिस फैसिलिटेट च्यूइंग बाय द मूवमेंट ऑफ द टंग। द मॉइस्टन एंड मैस्टिकेटेड फूड इज रोल्ड आउट इन टू अ बोलस। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें भी नमी है, जो फूड हमने खाया सलाइवा उसमें भी मिक्स हुआ, उसको मॉइस्ट किया, उसको नमी दिया। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, च्यूइंग यानी चबाने में हेल्प मिलती है। अब हम चबाते कैसे हैं, जब भी च्यूइंग करेंगे तो टंग जीभ की मदद से, हेल्प से फूड पार्टिकल जो भी है उसको मूव करते हैं। तो दिस फैसिलिटेट च्यूइंग बाय द मूवमेंट ऑफ द टंग। टंग के थ्रू हम मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट में सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी मॉइस्ट कर रहा है, नमी दे रहा है और साथ ही साथ जो भी फूड हमने खाया है उसको भी मॉइस्ट कर रहा है, नमी दे रहा है। तो उस मॉइस्ट की वजह से जो भी फूड हम खा रहे हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है,
लुब्रिकेशन हो रहा है तो आराम से इधर उधर वो स्लाइड करता है। दिस फैसिलिटेट च्यूइंग बाय द मूवमेंट ऑफ टंग। द मॉइस्टेंट एंड मेस्टिकेटेड फूड इज रोल्ड आउट या रोल्ड इन टू अ बोलस। तो जो भी मॉइस्टेंट फूड है या जो मेस्टिकेटेड फूड है जो हमने चबा लिया है उसको बोलस में बना देते हैं। बोलस मतलब समझ लीजिए एक गोल, जैसे अपन कुछ इकट्ठा कर देते हैं ना, तो हम जब निगलते हैं तो बोलस के रूप में निगलते हैं, ऐसा थोड़ी छोटा छोटा कुछ भी निगल लेते हैं, तो जो पूरा निगलते हैं तो एक बोलस के रूप में वो बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। द म्यूसिन ऑफ स्लाइवा मॉइस्टन एंड लुब्रिकेट द बोलस एंड फैसिलिटेट द सॉलिंग। तो जो स्लाइवा में म्यूसिन है हमने देखा था तो वो उसको मॉइस्ट करता है, लुब्रिकेट करता है यानी कि चिकनाई देता है, जिसकी वजह से बोलस आराम से नीचे की तरफ सॉलो हो जाता है या चला जाता है, यह सॉलोइंग में हेल्प करता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर सॉलोइंग यानी कि फूड को निगलने में हेल्प करता है, वो हमने समझ लिया। दूसरा काम क्या है, एप्रिशिएशन ऑफ टेस्ट। सलाइवा के थ्रू हमको टेस्ट का एप्रिशिएशन यानी टेस्ट का आभास होता है। कैसे, टेस्ट एक केमिकल सेंसेशन है, केमिकल रिएक्शन है। सलाइवा बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन, अब सलाइवा का एक एक्शन है सॉल्वेंट मिक्स होना, तो सलाइवा बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन डिजॉल्व द सॉलिड फूड सब्सटेंस। तो इस सॉलिड फूड सब्सटेंस जो भी हमने खाया है उसको डिजॉल्व करता है, घुलने का काम करता है उसको। सो दैट द डिजॉल्वड सब्सटेंस कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बड। अब जो डिजॉल्वड सब्सटेंस है जो भी हमने खाया है वो डिजॉल्व हुआ, और जो डिजॉल्वड सब्सटेंस है वो हमारी टेस्ट बड को स्टिमुलेट करता है, टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है, तो हमको टेस्ट का सेंसेशन होता है। अभी टेस्ट बड्स हमने एनाटॉमी में देखी हुई हैं, अलग अलग टंग में अलग अलग साइड पर अलग अलग टाइप की टेस्ट बड्स होती हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट का हमको स्टिमुलेशन देती हैं या अप्रिशिएशन देती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। स्लाइवा हैज टू डाइजेस्टिव एंजाइम नेमली स्लाइवरी एमाइलेज एंड लिंगुअल लाइपेज। स्लाइवा में दो टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उनका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज और दूसरे का नाम है लिंगुअल लाइपेज। स्लाइवरी एमाइलेज अ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, विभक्त करना। तो स्लाइवरी एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने का, तोड़ने का काम करता है। अमाइलोलाइटिक, लाइटिक मतलब भी ब्रेकडाउन होता है। तो स्लाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करने का, तोड़ने का काम करता है। इट एक्ट ऑन कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज। जैसे आलू है या चावल है, स्टार्च होता है इसमें, तो पका हुआ है, कुक्ड है, बॉइल्ड है, उसको ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। दो स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, मेजर पार्ट ऑफ इट अकर इन द स्टमक बिकॉज द फूड स्टेज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द माउथ। अब वैसे तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन मेजर पार्ट जो है डाइजेशन का वो स्टमक में ही होता है। क्यों, क्योंकि फूड माउथ में बहुत थोड़े समय के लिए ही रहता है और स्टमक में ये काफ़ी ज़्यादा समय के लिए रहता है, अगर हम माउथ से कंपेयर करेंगे तो। द ऑप्टिमम पीएच नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज इज 6। लिंगुअल लाइपेज, अब लिंगुअल लाइपेज का काम क्या है, लिंगुअल लाइपेज सिक्रेटेड फ्रॉम द लिंगुअल ग्लैंड इज अ फैट स्प्लिटिंग एंजाइम। लिंगुअल लाइपेज लिंगुअल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, और ये फैट स्प्लिटिंग एंजाइम है, ध्यान रखना बच्चों। स्लाइवरी एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और लिंगुअल लाइपेज फैट को स्प्लिट करने का, तोड़ने का काम करता है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। फिर डाइजेस्टिव के बाद क्लीनजिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। ड्यू टू कॉन्स्टेंट सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा माउथ एंड टीथ आर रिंस एंड कीप्ड फ्री फ्रॉम फूड डेब्रिस शेड एपिथेलियल सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स। अब स्लाइवा सिक्रेशन 1 से 1.5 लीटर होता ही है पर डे, 1 ml पर मिनट के मान हिसाब से अगर अपन मान लेते हैं तो। अब लगातार स्लाइवा सिक्रेशन हो रहा है, कंटिन्यूस सिक्रेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, माउथ और टीथ रिंस एंड कैप्ट फ्री फ्रॉम फूड डेब्रिस, मतलब हमारा जो माउथ है और टीथ है ये रिंस्ड होते रहते हैं, वॉश होते रहते हैं, वॉश होते रहते हैं लगातार, तो जो भी फूड डिब्रेस है यानी खाने पीने का जो भी हमने खाया है उसका बचा हुआ पार्टिकल्स है, एपिथीलियल सेल्स अगर वो शेड आउट होती है वो हो गई, या जो फॉरेन बॉडी है वो वॉश होते रहते हैं, तो क्लींजिंग फंक्शन है। इन दिस वे स्लाइवा प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय रिमूविंग मटेरियल विच मे सर्व एज अ कल्चर मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो क्लींजिंग फंक्शन है, लगातार जो स्लाइवा सिक्रेशन हो रहा है तो जो भी फूड पार्टिकल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, वो वॉश होते रहते हैं।
अब क्लींजिंग हो रहा है, लेकिन इन क्लींजिंग के साथ साथ प्रोटेक्टिव फंक्शन भी हो गया। कैसे? इसी तरीके से, क्योंकि ये क्लीन कर रहा है तो इस तरीके से क्या होता है कि इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा बाय रिमूविंग मटेरियल। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आपको कई बार एडवाइस किया जाता है कि आप सोते वक्त ब्रश जरूर करें रात में। क्यों? क्योंकि आप दिन भर आपने जो भी खाया पिया है वैसे तो स्लाइवा के थ्रू वॉश होता रहता है, लेकिन अगर हम रात में ब्रश नहीं करते हैं तो छोटे मोट कुछ कुछ जगहों पे फूड पार्टिकल्स जो है, जैसे हमारा विजडम टूथ होता है जो सबसे पीछे वाला अकलदार जिसको बोलते हैं, फूड पार्टिकल्स वहाँ पे फंसा रह जाता है, फिर वो सड़ता है, फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, आपके दांत खराब होते हैं, फिर आप रूट कैनाल कराते हैं, फिर आप लास्ट में आपको दांत निकलवाना ही पड़ता है। तो सोते समय जरूर ब्रश करें, ठीक है? तो पॉइंट अपने पढ़ाई पे आ जाते हैं। इन दिस वे सलाइवा प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय रिमूविंग मटेरियल। तो क्लींजिंग के साथ साथ क्या होता है, बैक्टीरिया को रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए माहौल ही नहीं मिलता है। द एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा किल सम बैक्टीरिया सच एज स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ब्रुसेला। अब जो हमने अभी देखा था उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जब हम समझ रहे थे, तो एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है सलाइवा में, ये बैक्टीरिसाइडल एंजाइम होता है। बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला। अभी आप जब फार्मा पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे जब एंटीबायोटिक पढ़ेंगे तो बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक दो टर्म आपको सुनने को मिलेगी। बैक्टीरिसाइडल मतलब किल करना, बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक मतलब रोक देना उनको, उनकी ग्रोथ को रोक देना। तो साइडल मतलब होता है किल करना। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है सलाइवा का, ये बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है। तो लाइसोजाइम क्या कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है और ब्रुसेला, इनको किल कर देता है, मार देता है, तो प्रोटेक्शन भी दे रहा है। म्यूसिन प्रेजेंट इन द सलाइवा प्रोटेक्ट माउथ बाय लुब्रिकेटिंग एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। अब जो म्यूसिन है सलाइवा में वो लुब्रिकेशन के थ्रू प्रोटेक्शन देता है। फिर रोल इन स्पीच, बोलने में हेल्प करना सलाइवा के थ्रू, जब मुंह सूखता है तो बोलते भी नहीं बनता है। बाय मॉइस्टनिंग एंड लुब्रिकेटिंग द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द माउथ लिप्स सलाइवा हेल्प इन स्पीच। माउथ लिप्स और जो भी सॉफ्ट पार्ट है माउथ के, उनको मॉइस्ट करके लुब्रिकेट करके ये स्पीच में यानी कि बोलने में हेल्प करता है। इफ द माउथ इज ड्राई आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन बिकम डिफिकल्ट। अगर माउथ ड्राई हो जाएगा तो आपकी जीभ चिपकती है, टंग चिपकती है, तो आप जो भी शब्द बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। इसलिए कई बार देखा होगा ना आपने, कभी कोई स्पीच देता है या बोल रहा है लगातार तो बीच बीच में पानी पीते रहता है, क्योंकि उसका माउथ ड्राई होता है और बोलने में उसको परेशानी होती है, इसलिए वो पानी पी लेता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, मैनी सब्सटेंस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। तो बहुत सारे सब्सटेंसेज जिनमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैं, जो भी जो कि सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, शरीर के बाहर निकलते हैं। एक्सक्रीशन मतलब शरीर के बाहर निकलना। तो इट एक्सक्रीट सब्सटेंस लाइक मर्क्यूरी, पोटेशियम आयोडाइड, लेड एंड थियोसाइनेट। मर्क्यूरी, पोटेशियम आयोडाइड, लेड और थियोसाइनेट भी एक्सक्रीट होते हैं। सलाइवा ऑल्सो एक्सक्रीट सम वायरसेस सच एज दोज कॉजिंग रेबीज एंड मम्स। तो सलाइवा के थ्रू कुछ वायरस भी शरीर के बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। जैसे आप अभी जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें, या अभी MSN भी पढ़ेंगे आप, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो देखेंगे कि कुछ इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, जो हमारे सलाइवा के थ्रू बाहर निकलते हैं। जैसे कई बार आपने देखो ना, TB किसी को होती है तो खांसते हैं वो लोग, तो लोग दूर भागते हैं कि भाई खांसने की वजह से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, या जो लंग्स में एयर की वजह से वायरस बाहर आ सकता है। कोरोना भी सेम था, COVID-19 भी सेम था। तो ये कुछ वायरस का भी एक्सक्रीशन करता है। फिर इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब होता है बीमारी वाली कंडीशन, पैथोलॉजी मतलब डिसीज। तो कुछ बीमारियों वाली कंडीशन में सलाइवा एक्सक्रीट सम सब्सटेंस विच आर नॉट फाउंड इन सलाइवा अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो कुछ बीमारी वाली स्थिति में, कंडीशन में सलाइवा कुछ ऐसे सब्सटेंस भी एक्सक्रीट करती है जो कि नॉर्मली सलाइवा में नहीं पाया जाता है। जैसे ग्लूकोज नॉर्मली नहीं पाया जाता सलाइवा में, लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस है तो उसके सलाइवा में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। इन सर्टेन कंडीशन सम ऑफ द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सलाइवा आर एक्सक्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो कुछ नॉर्मल, कुछ कंडीशंस में सलाइवा में कुछ एक्सक्रीट हो रहा है, कुछ कंपोनेंट हैं,
लेकिन किन्हीं किन बीमारियों में, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में उनका जो अमाउंट है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ के ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि स्लाइवा में यूरिया प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीट होता है, लेकिन अगर नेफ्राइटिस टाइप कंडीशन है तो यूरिया ज़्यादा सिक्रेट होगा एंड मोर कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड इन द हाइपर पैराथायरायडिज्म। अगर पेशेंट को हाइपर पैराथायरायडिज्म कंडीशन है, बीमारी है, डिसीज कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम भी ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। मतलब यूरिया और कैल्शियम वैसे तो एक्सक्रीट होता है सलाइवा के थ्रू, लेकिन अंडर सम डिसीज कंडीशन, किन्हीं बीमारियों में इनकी जो सलाइवा में जो कंपोनेंट है, रेंज है कि कितना सीक्रेट होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि नेफ्राइटिस में यूरिया एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा और हाइपर पैराथायराइडिस में कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इन डॉग्स एंड कैटल, यानी कुत्ते और बिल्लियों में, एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ स्लाइवा ड्यूरिंग फेंटिंग हेल्प्स इन लॉस ऑफ हीट। फेंटिंग मतलब होता है हाँफना। तो कुत्ते बिल्लियों को आपने देखा होगा कि एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ स्लाइवा, जब वो हाँफते हैं तो उनकी जीभ से, टंग से स्लाइवा नीचे की तरफ गिरता है। इस प्रोसेस के थ्रू वो अपने शरीर की गर्मी बाहर निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, उनको पसीना नहीं आता है, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती हैं, या होती होंगी तो कम होती होंगी, उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं तो स्वेट, हम जो जो ह्यूमंस होते हैं स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। जितना स्वेटिंग होगा उतना आपका शरीर जो है वो ठंडा रहेगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो इसलिए स्वेटिंग ज़्यादा होती है, हीट बाहर निकलती है। तो डॉग्स और कैटल में फेंटिंग, जब वो हाँफते हैं तो स्लाइवा बाहर निकलता है और उसके थ्रू वो हीट लॉस करते हैं। हाउएवर इन ह्यूमन बींग स्लाइवा डज नॉट टेक पार्ट इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ह्यूमन में ये टेम्परेचर रेगुलेशन में स्लाइवा को कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। फिर लास्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर वैलेंस। वेन द बॉडी वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड इट डिक्रीज द स्लाइवरी सिक्रेशन ऑल्सो। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो स्लाइवरी सिक्रीशन भी अपने आप कम हो जाता है, इसलिए आपका गला सूखता है, मुंह सूखता है। दिस कॉज ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड इंड्यूस्ड थर्स्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके माउथ में ड्राइनेस होगी, मुंह सूखेगा, गला सूखेगा और ये थर्स्ट को इंड्यूस करेगा, यानी कि आपको प्यास लगेगी, उसका आभास होगा। वेन द वाटर इज टेकन इट क्विंचेस द थर्स्ट एंड रिस्टोर द बॉडी वाटर कंटेंट। जब भी आप पानी पियेंगे तो इट क्विंचेस मतलब होता है बुझाना, तो आपकी ये प्यास बुझा देगा और बॉडी वाटर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो स्लाइवा के फंक्शन हमने समझ लिए हैं, अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ स्लाइवरी सिक्रेशन। स्लाइवरी जो सिक्रेशन है वो रेगुलेट कैसे होता है, कि कब ज़्यादा होना है, कब कम होना है। स्लाइवा इज सिक्रेटेड कंटिन्यूसली बट द क्वांटिटी वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी। अब स्लाइवा सिक्रेशन तो लगातार होता रहता है, शरीर में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं या कुछ कंडीशन होती हैं तब इनकी क्वांटिटी यानी स्लाइवा की जो क्वांटिटी है ये कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्लाइवरी सिक्रेशन लगातार होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, जब आप कुछ खाते हैं या आप कुछ फूड के बारे में सोचते हैं या कुछ अच्छा देखते हैं खाने वाला आइटम, या आपको कुछ खुशबू आती है अच्छी, कहीं खाना बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, द सिक्रेशन इंक्रीज, स्लाइवा सिक्रेशन, मुझे मुंह में पानी आ जाना है, स्लाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है। एंड इट डिक्रीज ड्यूरिंग स्लीप, जब आप सोते हैं तब स्लाइवा सिक्रेशन कम हो जाता है। द सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस मैकेनिज्म। जो स्लाइवा सिक्रेशन है ये नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है। नो हार्मोनल और केमिकल मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्लाइवरी सिक्रेशन। कोई हॉर्मोन्स का या किसी भी केमिकल मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है स्लाइवा के सिक्रेशन में। तो हमने स्लाइवा के बारे में समझ लिया है, अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में। तो उसके पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर से स्टमक को। स्टमक ये ऊपर से जो आ रहा है वो ईसोफेगस है, फिर कार्डिया ऊपर देखेंगे फंडस है, फिर बॉडी है, एंट्रम है, पाइलस, और जो छोटा कर्व है उसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और जो बाहर साइड वाला जो कर्वेचर है, लंबा कर्वेचर है, बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और नीचे फिर ये ड्यूडेनम से कंटिन्यू होता है। पहले फंक्शन देख लेते हैं, स्टोरेज फंक्शन है। द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर अ लॉन्ग पीरियड दैट इज़ फॉर 3 to 4 hours एंड एम्प्टीड इन टू द इंटेस्टाइन स्लोली। अब फूड स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है,
तो एक स्टोरेज फंक्शन हो गया कि जो भी हम खाएंगे पियेंगे वो 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में रहेगा, उसके बाद धीरे 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 ये इंटेस्टाइन में जो है एम्प्टी होता है या खाली होता है, या फूड को आगे इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टमक इज अप टू 1.5 लीटर, जो हमारे नॉर्मल एडल्ट में मैक्सिमम कैपेसिटी जो है स्टमक की वो 1.5 लीटर के लगभग होती है। द स्लो एम्प्टिंग ऑफ स्टमक प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर इंटेस्टाइन फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस। तो जो फूड 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में रहता है और धीरे धीरे एम्प्टी होता है यानी कि खाली होता है इंटेस्टाइन में, द स्लो एम्प्टिंग ऑफ स्टमक प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर द इंटेस्टाइन फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंस। तो ये धीरे धीरे खाली होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन को प्रॉपर टाइम मिलता है फूड को डाइजेस्ट करने में और उसको एब्जॉर्ब करने में। तो स्टोरेज फंक्शन हो गया। दूसरा है मैकेनिकल फंक्शन, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टमक मेक्स द बोलस एंड गैस्ट्रिक जूस एंड कन्वर्ट इट इनटू सेमी सॉलिड मटेरियल नोन एज चाइम। मैकेनिकल फंक्शन है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब होता है जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है इसमें जो मूवमेंट होता है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इसी के थ्रू फूड जो है वो आगे भी बढ़ता है, बोलस बनता है। तो हमने जो भी खाया था वो बोलस बना, बोलस एक जो गोल बन जाता है वो नीचे आ गया हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है, HCL है, ये क्या करेगा, स्टमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, स्टमक थोड़ा मूव करता है जिसकी वजह से क्या होता है बोलस में गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाते हैं और जो फूड था उसको सेमी सॉलिड मटेरियल नोन एज चाइम उसको सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे जिसको हम चाइम बोलते हैं, खिचड़ी टाइप का। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव फंक्शन, द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड ऑफ द स्टमक कंटेन मोस्टली द एंजाइम एक्टिंग ऑन प्रोटीन। अब जब हमने सलाइवा के बारे में बात की थी तो हमने देखा था वहाँ पर सलाइवा में दो एंजाइम थे जिनका नाम था सलाइवरी एमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम था, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा था और लिंगुअल लाइपेज फैट को स्प्लिट कर रहा था, तोड़ रहा था, लेकिन प्रोटीन के बारे में कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो इसलिए फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन जब भी हम जो भी फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक से ही शुरू होता है। द गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड ऑफ द स्टमक कंटेन मोस्टली द एंजाइम एक्टिंग ऑन प्रोटीन। तो गैस्ट्रिक जूस से जितने भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो प्रोटीन पर एक्ट करने वाले ही होते हैं। और अभी डाइजेस्टिव फंक्शन और डिटेल में अभी हम आगे भी देखेंगे। इसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस डिस्ट्रॉय मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंटरिंग द बॉडी अलॉन्ग विथ फूड। तो HCl, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का काम क्या रहता है, डैमेज करना, गलाना, डिस्ट्रॉय करना। तो HCl प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है जो कि जितने भी बैक्टीरिया फूड के साथ अंदर जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, मैक्सिमम को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। फिर एक हीमोपोइटिक फंक्शन भी है, हीमोपोइटिक मतलब हीम मतलब यहाँ पे बात हो रही है ब्लड की, पोइटिक मतलब होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन में हेल्प करना। तो एक ब्लड के फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे, द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 इज इम्पॉर्टेंट मैच्योरेशन फैक्टर ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। अगर विटामिन B12 पहले समझ लेते हैं, विटामिन B12 का काम क्या है, एरिथ्रोपोइसिस यानी जब RBC बनती है उसके मैच्योरेशन, जो मैच्योरिटी आती है उसमें मैच्योर होती है RBC, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन B12 का। अब विटामिन B12 एब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है, स्टमक से एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइसिस या जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है RBC का वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो खून की कमी, ब्लड की कमी होगी, एनीमिया होगा। इस प्रकार का जो एनीमिया होता है, द एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर कैन लीड टू परनीशियस एनीमिया। तो इसकी वजह से एनीमिया होगा जिसको हम बोलेंगे परनीशियस एनीमिया। एनीमिया के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, वो देखेंगे बाद में कभी। तो हीमोपोइटिक फंक्शन भी यानी कि ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फिर है एक्सक्रीटरी फंक्शन, बाहर निकालने वाला फंक्शन, एक्सक्रीशन। मैनी सब्सटेंस लाइक टॉक्सिन, एल्कलॉइड्स एंड मेटल आर एक्सक्रीटेड थ्रू द गैस्ट्रिक जूस।
शरीर में से कुछ टॉक्सिन एल्कलॉइड है या मेटल है ये गैस्ट्रिक जूस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीट होंगे फिर वो फूड इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम में जाएगा और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो कंपोजिशन देख लेते हैं गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस कंटेन 99.5% वाटर, 0.5% सॉलिड, जैसा कि सलाइवा में था। द सॉलिड्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो सॉलिड में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक में क्या क्या है? एंजाइम है, म्यूकस है और इंट्रिंसिक फैक्टर। एंजाइम अपन अभी देखेंगे, म्यूकस देख लेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है और सल्फेट। तो गैस्ट्रिक जूस में इतना आइटम होता है। गैस्ट्रिक एंजाइम्स, तो द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और अदर एंजाइम। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है? पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है और कुछ अलग एंजाइम होते हैं। पेप्सिन क्या है कि प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है। प्रोटीओलाइटिक मतलब प्रोटीन को स्प्लिट करने का काम है, प्रोटीन को कैटाबोलाइज तोड़ने का काम करता है पेप्सिन। द प्रीकर्सर ऑफ पेप्सिन इज पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन है जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है उसके बाद प्रोटीन को स्प्लिट करने का काम करता है। रेनिन, इट इज़ अ मिल्क कर्डलिंग एंजाइम, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैन। ये मिल्क कर्डलिंग, मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है जो कि मैंस में प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक्चुअली अलग अलग बुक में इसके बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। ये काऊ जो गाय होती है उसके फोर्थ स्टमक में पाया जाता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं जो कि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, तो उनमें भी ये पाया जाता है मिल्क के डाइजेशन के लिए। तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा ना मिल्क कर्डलिंग, मतलब वो दही टाइप कर देते हैं उसको। छोटे बच्चे जब इन्फेंट रहते हैं उल्टी करते हैं तो दही जैसा कुछ निकलता है, इसी की वजह से निकलता है। वो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है रेनिन। गैस्ट्रिक लाइपेज है, इट इज़ अ वीक लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम। ये कि वीक लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम है, इसलिए कभी कभी आपने ध्यान दिया हो कि जो भी हम फूड खाते हैं या दूध भी पीते हैं ना, तो उसमें भी कुछ फैट होता ही है। तो हमको हमेशा सब बोला जाता है कि मिल्क को पिए नहीं, मिल्क को चबाएं, क्योंकि आप जितना देर उसको माउथ में रखेंगे उतना सलाइवा मिक्स होगा और सलाइवा में क्या है, फैट स्प्लिटिंग एंजाइम है, फैट को तोड़ने का काम करता है। तो फैट अगर हम सलाइवा अच्छे से नहीं चबाते हैं, सीधा हम अंदर ले लेते हैं, स्टमक में चला जाता है, वहाँ पर भी डाइजेशन होगा लेकिन यहाँ पर डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो जितना भी आप फैट अगर कुछ खाते हैं जिसमें ऑयल ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चबा चबा कर खाएं ताकि ज़्यादा सलाइवा उसमें मिक्स हो और वो और अच्छे से डाइजेशन उसका हो पाए। तो गैस्ट्रिक लाइपेज है जो कि लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम है लेकिन वीक है, कमज़ोर है ये। अदर गैस्ट्रिक एंजाइम है, द अदर गैस्ट्रिक एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर गैलेक्टिनेज और यूरेज। गैस्ट्रिक म्यूकस, गैस्ट्रिक म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय नेक सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सरफेस म्यूकस सेल्स इन फंडस बॉडी एंड अदर पार्ट ऑफ द स्टमक। तो गैस्ट्रिक म्यूकस है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की नेक सेल से रिलीज होता है, साथ ही साथ फंडस बॉडी और स्टमक के जो अदर पार्ट है वहाँ पर सरफेस म्यूकस सेल्स होती है, वहाँ से भी गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रेट होता है। इट इज लाइक अ फ्लेक्सिबल जेल कवरिंग द गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको एक ये जैसे फ्लेक्सिबल जेल होता है ना, जेल उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है और गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन को ये कवर करके रखता है और नेचर में ये ग्लाइकोप्रोटीन है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में जो दो मेन कंटेंट होते हैं वो है पेप्सिनोजन और HCl। तो इन दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले बात करते हैं पेप्सिनोजन की। पेप्सिनोजन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। पेप्सिनोजन जो है वो अमाइनो एसिड से बनता है। उसके बाद द सिंथेसिस अकर इन राइबोसोम अटैच्ड इन चीफ सेल्स। चीफ सेल्स जो होती है स्टमक में, उसमें राइबोसोम में, उसके राइबोसोम में इसका पेप्सिनोजन का सिंथेसिस या हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन होता है। द पेप्सिनोजन मॉलिक्यूल आर पैक्ड इनटू जाइमोजन इन ग्रेन्यूल्स बाय गॉल्गी अपैरेटस। उसके बाद पेप्सिनोजन जो है वो छोटे छोटे पाउच जाइमोजन ग्रेन्यूल्स में पैक कर दिया जाता है, पैक हो जाता है बाय गॉल्गी अपैरेटस के द्वारा। व्हेन जाइमोजन ग्रेन्यूल्स आर सिक्रेटेड इनटू स्टमक। अब ये जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर पेप्सिनोजन भरा हुआ है, ये समझ लीजिए जैसे कुछ वो सेंटर फ्रूट या सेंटर फ्रेश करके वो च्युइंगम आती है उसके अंदर जेल भरा रहता है, ऊपर कवरिंग होती है, ठीक वैसे उसके अंदर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स के अंदर पेप्सिनोजन फिल्ड है, भरा हुआ है। व्हेन जाइमोजन ग्रेन्यूल्स इज सिक्रेटेड इनटू स्टमक फ्रॉम चीफ सेल्स। अब चीफ सेल्स से जाइमोजन ग्रेन्यूल्स स्टमक में सिक्रेट होता है। द ग्रेन्यूल्स इज डिसॉल्व। तो उसकी जो आउटर कवरिंग है
वो डिजोल्व हो जाती है एंड पेप्सिनोजन इज रिलीज इन टू गैस्ट्रिक जूस, और पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक जूस में रिलीज हो जाता है। या इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन, जैसा कि हम कुछ कैप्सूल, जैसे बेटा बी कैप्सूल, एक कैप्सूल आता है, आप जो उसकी कवरिंग होती है वो जब हम खाते हैं उसको, कैप्सूल को लेते हैं अंदर, निगलते हैं, सॉलो करते हैं, तो स्टमक में जाते हैं, जो उसकी कवरिंग है वो डिजोल्व हो जाती है और उसके अंदर जो कंटेंट है मेडिसिन उसके अंदर में होती पाउडर फॉर्म में, वो फिर बाहर आती है, अपना एक्शन करती है। ठीक वैसे ही जाइमेजन ग्रेन्यूल्स में पेप्सिनोजन फिल होता है जब ये स्टमक में रिलीज होता है फ्रॉम चीफ सेल्स, ग्रेन्यूल्स जो है, जो आउटर कवरिंग है वो डिजोल्व हो जाती है और पेप्सिनोजन जो है वो गैस्ट्रिक जूस में रिलीज हो जाता है। पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इन टू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये पेप्सिनोजन रिलीज हुआ स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉन्टैक्ट में आके पेप्सिन में कन्वर्ट होता है या पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है पेप्सिन के रूप में, जहाँ पे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। बात करेंगे हम HCl की, तो पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड का डायग्राम देख लेते हैं, स्टमक एसिड सेक्रेशन। तो स्टमक है, ऊपर देखेंगे ईसोफेगस दिख रहा है, फिर डायफ्राम है, उसके नीचे स्टमक कंटिन्यू हुआ है और फिर ड्यूडेनम भी दिख रहा है हमको। अब इसमें से हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड को निकाला है, जूम किया है उसमें देखेंगे, तो गैस्ट्रिक पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, है ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का पेट है, गड्ढा है। अब इसमें देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सरफेस म्यूकस सेल्स, जो कि म्यूकस सिक्रेशन करेगी, उसके नीचे है पैराइटल सेल जो कि HCl का और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती है, उसके नीचे देखेंगे म्यूकोसल नेक सेल है, स्टेम सेल कंपार्टमेंट है, चीफ सेल है, पेप्सिनोजन सिक्रेशन कर रही है, उसके नीचे ECL हिस्टामिन, फिर जी सेल कैस्ट्रिन सिक्रेशन। अब समझते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को। अकॉर्डिंग टू डेवनपोर्ट थ्योरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द कैनेकुलाई ऑफ पैराइटल सेल इन फंडक ग्लैंड ऑफ स्टमक। अभी हमने पैराइटल सेल देखी, तो फंडक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हम बोलते हैं, तो स्टमक में फंडक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिसकी पैराइटल सेल्स में से HCl का सिक्रेशन होता है। कैनेकुलाई मतलब होता है छोटी छोटी कैनाल्स, डक्ट। द एनर्जी इज ड्राइव्ड, अब ये जो प्रोसेस है HCl का सिक्रेशन के, इसके लिए एनर्जी की जो जरूरत होती है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के थ्रू मिलती है। इन पैराइटल सेल द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब पैराइटल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। अब CO2 कहाँ से आ रही है, CO2 ड्राइव्ड होती है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स, सेल्स में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, या ब्लड से CO2 को लिया जाता है। द कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब जो वाटर्स H2O और CO2 मिलके कार्बोनिक एसिड बना रही हैं, ये कार्बोनिक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पैराइटल्स इन पैराइटल सेल। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस पैराइटल सेल में पहले से मौजूद होता है हाई क्वांटिटी में। कार्बोनिक एसिड इज द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड। अभी कार्बोनिक एसिड बना है, ये बहुत अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। अब क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड से क्लोराइड लेकर हाइड्रोजन आयन क्लोराइड से कंबाइन होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब कंपनसेट करने के लिए द लॉस ऑफ क्लोराइड आयन, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से क्लोराइड निकल गया था, अब उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन जो कि पैराइटल सेल से निकला था इंटर द ब्लड, ब्लड में इंटर होता है और सोडियम के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है, बनाता है। कंफ्यूज मत होना, कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन में टूट गया, ठीक है, फिर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड और हाइड्रोजन मिल के HCl बनाते हैं। अब ऊपर क्या बचा है, सोडियम बचा है और बाइकार्बोनेट बचा है, तो ये दोनों मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। दस द एंटायर प्रोसेस कैन बी समराइज एज, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं, CO2 प्लस H2O ये बन गया अपना क्या था, कार्बोनिक एसिड प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, अब ये HCl बन गया, इनने मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाया और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर व्हेन द फूड इज टेकन इन द माउथ। न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व्ड इन गैस्ट्रिक सिक्रेशन व्हिच अकर इन थ्री फेज।
तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, सोचने से भी हो जाता है, स्मेल से भी हो जाता है। न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं विच अकर इन थ्री फेज, जो कि तीन फेज में होते हैं। पहला है सेफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। इनको भी हम देखेंगे डिटेल में। इन ह्यूमन बीइंग अ फोर्थ फेज कॉल्ड इंटर डाइजेस्टिव फेज एग्जिस्ट। तो जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, इनमें चौथा फेज भी होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर डाइजेस्टिव फेज। इसका मतलब क्या हुआ, डाइजेशन के बीच में सिक्रीशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन बिटवीन मील्स, मतलब खाना खाने के, आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, उसके बीच में भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा। दस द गैस्ट्रिक सिक्रीशन टेंड टू बी कंटिन्यूस। तो हम जैसा सलाइवा का बोलते हैं ना, कंटिन्यूस सिक्रीशन होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा जरूरत के हिसाब से, ठीक वैसे ही गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी लगातार होता रहता है। तो फर्स्ट फेज इज सेफेलिक फेज। सेफेलिक या जो सेफेलस टर्म है वो हमारे हेड ब्रेन के लिए यूज होती है। दिस इज सोली अंडर नर्वस कंट्रोल। सेफेलिक फेज जो कि नर्वस कंट्रोल, हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। वाइल टेकिंग फूड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट इवन बिफोर फूड एंटर द स्टमक। जैसे ही हम खाना खाते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है। फूड स्टमक तक नहीं पहुँचा, माउथ में ही है, लेकिन गैस्ट्रिक सिक्रेशन होना शुरू हो जाते हैं। द इम्पल्स आर सेंट फ्रॉम हेड एंड सो दिस फेज इज कॉल्ड सेफेलिक फेज। अब ये सिक्रेशन के लिए जो इम्पल्स है वो हमारे हेड से, हमारे ब्रेन से आती हैं, इसलिए सेफेलस हमारे ब्रेन को बोलते हैं। इस फेज को सेफेलिक फेज कहा गया है। द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड इन दिस फेज इज कॉल्ड एपेटाइट जूस। और इस फेज में जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है उसको हम एपेटाइट जूस भी बोलते हैं। दिस अकर्स एज कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अब एक कंडीशन अनकंडीशन दोनों रिफ्लेक्स में ऐसा हो सकता है, और दोनों गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों के दोनों इसमें सिक्रेट होते हैं। सेकेंड है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक की बात हो रही है यहाँ पे। दिस फेज इज अंडर बोथ नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। सेफेलिक फेज सिर्फ नर्वस कंट्रोल में था, ये नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल दोनों हो रहा है। व्हेन द फूड एंटर द स्टमक सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इंक्रीज विच इज रिच इन पेप्सिनोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब फूड माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर करता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसमें पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। थर्ड फेज है इंटेस्टाइनल फेज। व्हेन द काइम, अब ये जब हम फूड माउथ में लेते हैं और वो जब ईसोफेगस से स्टमक तक जाता है तो बोलस फॉर्म में जाता है, उसको हम बोलते हैं बोलस। यहाँ स्टमक में ये जो बोलस है इसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स होते हैं और जो कंटेंट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं काइम, CHYME। व्हेन द काइम इंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इनिशियली द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज इंक्रीज्ड एंड लेटर इट इज इनहिबिटेड। जब काइम इंटर होता है इंटेस्टाइन में, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, तो इनिशियली शुरुआत में तो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन वो बढ़ जाता है और फिर बाद में ये इनहिबिट यानी कि कम हो जाता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन के फेज जो फेजेस हैं तीन, इनको एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखिए सेफेलिक फेज वाया वेगस, वेगस नर्व के थ्रू ये इम्पल्स आती है। तो जब फूड हमारे माउथ में है तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है सेफेलिक फेज में। ये जो इम्पल्स लेके आती है वो है वेगस नर्व। सेकेंड देखें गैस्ट्रिक फेज, राइट साइड में देखिए गैस्ट्रिक फेज लिखा हुआ है। गैस्ट्रिक फेज में फिर लोकल नर्वस सिक्रेटरी रिफ्लेक्स है, वेगल रिफ्लेक्स है, गैस्ट्रिन हिस्टामिन स्टिमुलेशन है, जिसके थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि हमारे स्टमक की जो ग्लैंड्स है वहाँ पे, वहाँ से HCL और पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। पेप्सिनोजन सिक्रेट होकर HCL से मिलकर फिर पेप्सिन बना लेता है। फिर उसके नीचे सबसे नीचे देखिए इंटेस्टाइनल फेज, यहाँ पर नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म, ये दोनों मैकेनिज्म काम करते हैं। तो शुरुआत में तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेशन होता है जब काइम इंटर करता है इंटेस्टाइन में, और जब इंटर कर जाता है तो उसके बाद गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो सिलेबस के हिसाब से हमने फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट समझ लिया है, सलाइवा कंपोजिशन रेगुलेशन फंक्शन समझ लिया है, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन फंक्शन मैकेनिज्म रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी समझ लिया है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।